फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजर्स टू करेक्ट डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड। अभी तक हमने पढ़ा कि डेफिसिट डिमांड क्या होता है, एक्सेस डिमांड, और हमने दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस भी पढ़े कि डेफिसिट डिमांड के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और हमारे एक्सेस डिमांड के। और दोनों से ही हमको पता चला कि हमारे इकोनॉमी के लिए दोनों ही अच्छे नहीं है। मतलब कि हमारे इकोनॉमी के लिए क्या अच्छी है, स्टेबिलिटी, कि ना तो हमारी एक्सेस डिमांड हो ना ही हमारी डेफिसिट डिमांड हो। तो लेकिन अब ऐसा तो होगा नहीं कि अपने आप ही स्टेबिलिटी इकोनॉमी में आ जाए डिमांड सप्लाई, वो ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। तो उसके लिए किसको स्टेप उठाने पड़ेंगे, भाई सरकार किस लिए बनाई है, तो गवर्नमेंट करेगी कुछ, और गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है प्लस RBI के पास इसकी अथॉरिटी है कि वो एक्सेस डिमांड या डेफिसिट डिमांड को कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए, मतलब कि अगर एक्सेस डिमांड है तो वापस उसको कम करना है डिमांड को स्टेबिलिटी पे आने के लिए, अगर डेफिसिट है तो उसको बढ़ाना है स्टेबिलिटी पे आने के लिए। तो वो सब काम कौन करेगा, हमारी गवर्नमेंट करेगी और RBI करेगी। अब गवर्नमेंट करती है, RBI करती है, गवर्नमेंट जो काम करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट जो काम करेगी वो बेसिकली क्या करती है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पॉलिसी का यूज करती है, मतलब कि फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट तो क्या कर सकती है, गवर्नमेंट क्या करती है, जब रोड बनवा दिए, स्कूल बनवा दिए वगैरह वगैरह, बहुत कुछ बनवा देती है, ठीक है। जब गवर्नमेंट ये सब करवाती है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है इकोनॉमी के अंदर, लोगों से उधार भी लेती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट RBI से उधार भी लेती है, गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज भी बेचती है लोगों में। तो गवर्नमेंट ये सब काम करती है, ठीक है, गवर्नमेंट की जैसे कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट के, वहाँ से उसको इनकम भी होती है, प्लस वो गवर्नमेंट के जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो वहाँ से शेयर्स वगैरह भी लोगों में निकालती है। तो ये सब काम होते हैं गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट को अगर डिमांड को कम करना है, डिमांड को ज़्यादा करना है, तो उसको क्या करने पड़ेगा, खर्चा और इनकम, इनकम जहाँ से उसकी होती है उसको या तो वो कम ज़्यादा करेगी या जो खर्चा करती है उसको कम ज़्यादा करेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने क्या ठीक करना है, ठीक है। तो वो हमारी फिस्कल पॉलिसी। और दूसरा जो RBI की जो पॉलिसी होती है, RBI के पास डिफरेंट रेट्स होती हैं, ठीक है, जैसे हमने बैंक रेट, हम रेपो रेट, जो हमने बैंकिंग चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में की थी, बैंकिंग चैप्टर की जो लास्ट वीडियो हमारी थी जिसमें हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स किए थे, इसके RBI के क्रेडिट सप्लाई को कम करने के लिए, मनी सप्लाई को इकोनॉमी में कम करने के लिए। तो उन सब का यूज करके हमारा RBI क्या करता है, डिमांड को कम ज़्यादा करने की कोशिश करता है। ये वीडियो वैसे तो बहुत छोटी होने वाली है क्योंकि आई सजेस्ट कि आप जो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए जो हमारी वीडियो है बैंकिंग चैप्टर की, वो जाके जरूर देखें, ठीक है। मैं उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वो वीडियो जरूर देखना, आपको वहां से अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर होंगे कि क्या रेट्स होती हैं, कौन कौन सी रेशियोज है जो जिनका यूज करता है, कौन कौन से मेजर्स हैं जिससे हमारी डिमांड कम ज़्यादा RBI करता है। यहाँ पे वो काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा, वहाँ पे वो बहुत डिटेल में मैंने करवाया हुआ है, उसका लिंक आपको यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फिस्कल पॉलिसी के साथ। तो जैसे कि मैंने बताया फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, गवर्नमेंट जहाँ खर्च कर रही है प्लस गवर्नमेंट को जहाँ से आ रहा है, उन दोनों में वो या तो कुछ कम करेगी या कुछ ज़्यादा करेगी, जिससे कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर सके, स्टेबिलिटी लेके आ सके हमारी इकोनॉमी के अंदर। अगर डेफिसिट डिमांड है तो उसको खत्म कर सके, अगर एक्सेस डिमांड है तो उसको खत्म कर सके। तो क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं फिस्कल पॉलिसी के, कि फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो वो हमारे इंक्लूड होता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खर्चा, और क्या होते हैं टैक्सेस जो गवर्नमेंट लगाती है, गवर्नमेंट को इनकम ऑब्वियसली टैक्स से ही तो होती है, पब्लिक बोरोइंग्स, गवर्नमेंट लोगों से बोरो करती है, प्लस बोरोइंग्स फ्रॉम द RBI, गवर्नमेंट जो है हमारी वो RBI से भी उधार लेती है। अब बात आती है कि वो डेफिसिट और एक्सेस डिमांड को ठीक करने के लिए वो क्या करेगी, एक्सपेंडिचर घटाएगी बढ़ाएगी, टैक्स कम करेगी ज़्यादा करेगी, पब्लिक बोरोइंग्स कम करेगी ज़्यादा करेगी, बोरोइंग्स फ्रॉम RBI कम करेगी ज़्यादा करेगी, ठीक है। वहाँ तक जाने से पहले हम नॉर्मली एक बार इनको देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट की अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें, ठीक है, सपोज गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज करे, ठीक है, हम यहाँ लेते हैं, ओके, गवर्नमेंट अगर अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाए तो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ बढ़ाएगी भाई, रोड बनवा देगी गवर्नमेंट, स्कूल कॉलेज बनवा देगी, इंस्टीट्यूशंस हॉस्पिटल्स वगैरह बनवा देगी, पार्क वगैरह बनवा देगी, एम्प्लॉयमेंट यानी कि लोगों को काम मिलेगा गवर्नमेंट बनवाएगी, गवर्नमेंट खुद जाके सरकार तो करेगी नहीं काम, लोगों को ही बुलाएगी तो लोगों को काम मिलने वाला है, मतलब लोगों को इनकम बढ़ने वाली है लोगों की, और गवर्नमेंट भी खर्चा कर रही है, इसका मतलब हमारे देश में खर्चा भी बढ़ने वाला है, लोगों की इनकम बढ़ रही है,
तो लोग भी खर्चा करेंगे और गवर्नमेंट भी खर्चा कर रही है, तो इसका मतलब हमारी डिमांड क्या होने वाली है इकोनॉमी में, बढ़ने वाली है। जब गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा देगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। वहीं अगर हम देखें इसका वाइस वर्सा, अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर दे, गवर्नमेंट ने खर्चा कम किया, रोड गवर्नमेंट कम बनवाए, पब्लिक पार्क्स कम बनवाए, लोगों को काम नहीं मिलने वाला। जब लोगों को काम नहीं मिलेगा, लोगों पास इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो लोग डिमांड क्या ज्यादा करेंगे, कोई कम ही करेंगे, क्योंकि लोगों पास इनकम नहीं है, तो एग्रीगेट डिमांड लोग क्या करेंगे कम। तो अब इसको अगर हम लेके चले डेफिसिट और एक्सेस डिमांड पे, हमारी इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड है, मतलब डिमांड की कमी है। सरकार क्या करना चाहेगी, सरकार चाहेगी डिमांड बढ़े, तो सरकार डिमांड बढ़ाने के लिए क्या करेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी। अगर हमारी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, मतलब कि डिमांड ज्यादा है, हमको लानी है कम, डिमांड को कम करने के लिए सरकार क्या करेगी, एक्सपेंडिचर कम कर देगी, एज सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, कितना इजी था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें टैक्स, अब देखो सपोज गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ा दे, गवर्नमेंट क्या करे, टैक्स बढ़ा दे। जब गवर्नमेंट हमारी टैक्स बढ़ाएगी तो लोगों का पैसा चला जाएगा गवर्नमेंट के पास, लोगों पास डिस्पोजेबल इनकम बचेगी कम, मतलब कि खर्च करने के लिए इनकम कम बचेगी। अगर लोग गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो लोगों पास पैसा कम बचेगा, लोगों पास पैसा कम बचेगा तो वो डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। वहीं अगर गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अगर टैक्स कर दे कम, तो लोगों पास खुद के पास पैसा ज्यादा पड़ेगा, गवर्नमेंट को उनको कम देना पड़ेगा, मतलब उनके पास डिस्पोजेबल इनकम क्या है, ज्यादा। तो वो अगर उनके पास इनकम ज्यादा है तो वो डिमांड क्या करने वाले हैं, ज्यादा। तो अगर सिचुएशन है डेफिसिट डिमांड की, मतलब कि इकोनॉमी में डिमांड है कम, तो गवर्नमेंट को डिमांड क्या है, बढ़ानी है। डेफिसिट डिमांड से हमको कहाँ जाना है, स्टेबिलिटी की तरफ, तो गवर्नमेंट को डिमांड बढ़ानी है, तो डिमांड बढ़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स कम करने पड़ेंगे। तो डेफिसिट डिमांड में गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स कम करेगी, और एक्सेस डिमांड में गवर्नमेंट टैक्स क्या करेगी, बढ़ाएगी। ठीक है, फिर अगर हम बात करें पब्लिक बोरोइंग्स, मतलब कि गवर्नमेंट जो है लोगों से उधार लेती है पैसा। अब गवर्नमेंट जो है अगर लोगों से पैसा उधार लेगी, ठीक है, मेरे पास सरकार आई, भाई पैसे उधार दे दे, मैंने गवर्नमेंट को ले भाई तक 1,00,000 रुपये उधार दे दिया। ठीक है, अब मेरे पास तो पैसे बच गए कम, क्योंकि मैंने तो उधार दे दिया गवर्नमेंट को, मेरे पास पैसे क्या हुए, कम बचे। जब मैंने गवर्नमेंट को उधार दे दिया, मेरे पास पैसे कम बचे, तो मेरी क्या होगी, डिमांड कम होगी, मैं, मेरे पास परचेजिंग पावर नहीं है। सेम वे पूरी अगर हम इकोनॉमी में पब्लिक्स की तरह देखें, जब गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा ले रही है तो लोगों पास, पब्लिक के पास पैसा कम बचा, तो वो डिमांड कम करने वाले हैं, क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है। तो अगर बोरोइंग्स कहाँ से, पीपल से, ठीक है, अगर बोरोइंग्स गवर्नमेंट की लोगों से ज्यादा है, तो लोग एग्रीगेट डिमांड क्या करने वाले हैं, कम करने वाले हैं। वहीं अगर बोरोइंग्स पीपल से गवर्नमेंट की कम है, मतलब गवर्नमेंट लोगों से कम उधार ले रही है, तो लोगों पास पैसा बचा रहेगा और वो इसलिए वो अपनी डिमांड बढ़ाएंगे, क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर होगी। सेम वे बोरोइंग्स फ्रॉम द आरबीआई, गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई से उधार ले रही है। जब गवर्नमेंट आरबीआई से उधार ले रही है, गवर्नमेंट पैसे कहाँ से, अपने आप तो दबा के तो बैठे ही नहीं, आरबीआई से लेगी, ऑब्वियसली बात है, खर्चा ही करने वाली है गवर्नमेंट, उस पैसे को खर्च करने वाली है। तो जब गवर्नमेंट हमारी आरबीआई से बोरोइंग्स ज्यादा कर रही है, इसका मतलब वो हमारे ऊपर खर्च करने वाली है, ठीक है, इसलिए तो उधार ले रही है। इसका मतलब डिमांड हमारी बढ़ने वाली है, एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि गवर्नमेंट खर्च करने वाली है। वहीं अगर बोरोइंग्स आरबीआई से गवर्नमेंट की कम हुई, मतलब वो गवर्नमेंट उधार कम ले रही है आरबीआई से, तो इसका मतलब हमारे ऊपर खर्चा कम होने वाला है, क्योंकि सरकार के पास तो पैसा नहीं है, वो तो आरबीआई से ही लेगी, हमारे पास वो खर्च कम करेगी हमारे ऊपर, हमारे ऊपर जब वो खर्च कम करेगी तो हमारी एग्रीगेट डिमांड कम होगी। तो ये हमारी सिचुएशन है। अब हम इनको एक्सेस और अगर डेफिसिट डिमांड में लेके चले, देखो अगर डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करना है, अगर डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करना है, मतलब हमारी इकोनॉमी में डिमांड कम है, हमको डिमांड बढ़ानी है, तो डिमांड को बढ़ाने के लिए किसको, डिमांड को बढ़ाने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, टैक्स कम करेगी, पब्लिक बोरोइंग्स कम करेगी, और साथ में आरबीआई से बोरोइंग्स भी कम करेगी, खत्म डेफिसिट डिमांड। वही अगर एक्सेस डिमांड है, मतलब कि डिमांड ज्यादा है इकोनॉमी में, हमको लानी है कम, हमको डिमांड कम करनी है, हमको मतलब गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को अगर डिमांड कम करनी है तो वो क्या करेगी, एक्सपेंडिचर कम करेगी, टैक्स बढ़ाएगी, पब्लिक बोरोइंग्स बढ़ाएगी, आरबीआई से बोरोइंग्स बढ़ाएगी, और ऐसे हमारी क्या होगी,
आई गेस हमने कुछ यहाँ पे आरबीआई से बोरोइंग्स वो क्या करेगी गवर्नमेंट जब एक्सेस डिमांड है तो कम करेगी क्योंकि उसको एग्रीगेट डिमांड क्या करनी है कम लेके आनी है ठीक है। तो डेफिसिट डिमांड और हमारी एक्सेस डिमांड, तो हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डेफिसिट डिमांड की मतलब डिमांड हमारी कम है, हमको डिमांड बढ़ानी है, डिमांड बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे मतलब कि गवर्नमेंट क्या करेगी एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी मतलब कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, टैक्स क्या होगा टैक्स कम होगा, पब्लिक बोरोइंग्स क्या होंगी मतलब लोगों से उधार, गवर्नमेंट को क्या करना है डिमांड बढ़ानी है तो पब्लिक बोरोइंग्स गवर्नमेंट क्या करेगी कम करेगी, पब्लिक बोरोइंग्स डिक्रीज होंगी, बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई क्या होंगी डिमांड बढ़ानी है इंक्रीज होंगी। तो डेफिसिट डिमांड में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, टैक्स कम होंगे, पब्लिक बोरोइंग्स कम होंगी, बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई ज्यादा होंगी, यह सब होगा क्योंकि यही मैंने अभी तो यहाँ पे बताया इजिली एक्सप्लेन करके ठीक है। तो ये हमारा क्या है फिस्कल पॉलिसी, और अगर हमारी एक्सेस डिमांड है तो एक्सेस डिमांड मतलब डिमांड ज्यादा है गवर्नमेंट को डिमांड लानी है कम, तो गवर्नमेंट खर्चा क्या करेगी कम, टैक्स क्या करेगी ज्यादा लगा देगी, पब्लिक बोरोइंग्स क्या करेगी ज्यादा करने लगेगी और आरबीआई से बोरोइंग्स कम करने लगेगी। तो ये हमारी सिचुएशन होगी फिस्कल। वही अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी, तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करती है आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है मॉनेटरी पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज में हमारे होते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स एज वेल एज क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स में हमारी डिफरेंट डिफरेंट रेट्स और डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज आती है किसकी आरबीआई की, जैसे कि रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो और स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो और हमारी रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट। तो ये सब हमारी किसमें आती है क्वांटिटेटिव मेजर्स में। वहीं अगर हम क्वालिटेटिव मेजर्स की बात करें तो हमारी क्वालिटेटिव मेजर्स में आते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, उसके बाद मोरल सुजेन और क्रेडिट राशि। इनका यूज करके हमारी आरबीआई हमारा आरबीआई क्या करेगा डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड को क्या है बैलेंस करने की कोशिश करेगा, मतलब अगर डेफिसिट है तो उसको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा और एक्सेस है तो स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करेगा। किनका यूज करके डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज डिफरेंट डिफरेंट रेट्स और डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके। तो अगर हम बात करें हमारी रेट्स की, तो ये हमारी रेट क्या होती है तो ये तो आप जाके बैंकिंग वाले चैप्टर में देखो क्योंकि अगर हम यहां करें तो बहुत ही ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी एक एक रेट को दोबारा एक्सप्लेन करें। वो वीडियो शॉर्ट भी है आई गेस 30-40 मिनट्स की है और उसमें अच्छे से आपको क्लियरली एक्सप्लेन भी अच्छे से हो जाएगा ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या है आप देखो डिफरेंट डिफरेंट मैंने क्या बताई रेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज हैं। क्या हमारी है रेपो रेट है उसमें बैंक रेट, उसके बाद हमारी लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो SLR स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो ठीक है। तो ऐसे हमारी बहुत सारी है, एक रिवर्स रेपो रेट है, एक CRR है कैश रिजर्व रेशियो, LRR के दो कंपोनेंट्स हैं, टाइप्स नहीं है कंपोनेंट्स, तो LRR में ये दोनों इंक्लूड होते हैं ठीक है। उसके बाद वही हमारी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट और हमारा उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा क्या होगा क्रेडिट राशनिंग और थर्ड हमारा जो है वो हमारा क्या होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट वो हमारा होता है मोरल परजुएज ठीक है। तो अगर हम बात करें देखो रेपो रेट हमारी क्या होती है जब हमारे कमर्शियल बैंक्स उधार लेते हैं आरबीआई से, सेम हमारी फिर क्या होती है रिवर्स रेपो रेट जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से उधार लेगा, बैंक रेट सेम रेपो रेट की तरह कि इसमें भी हमारा कौन उधार ले रहा है हमारा कमर्शियल बैंक उधार ले रहे हैं आरबीआई से, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है इसमें कुछ सिक्योरिटी वगैरह भी देनी पड़ती है, वाइल रेपो रेट में ये लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म होता है और कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो LRR के तो ये दो कंपोनेंट्स हैं तो यही हम पढ़ेंगे, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो कैश रिजर्व रेशियो। ये होता है कि कमर्शियल बैंक्स को कंपल्शन होती है कि उनको इतना पैसा आरबीआई के पास जमा कराना है, वो हमारा होता है कैश रिजर्व रेशियो कि जितने उनके पास पैसे है उसका इतने परसेंट आरबीआई के पास देना है।
स्टेट कि इतने परसेंट उनको खुद रखना है, वो SLR हो गया। मार्जिन रिक्वायरमेंट, जैसे हम उधार लेने जाते हैं, मतलब कि लोन लेने जाते हैं, तो हमको वो बोलती है 100 रुपए की सिक्योरिटी रखवाओ, 80 रुपए का लोन देती है, तो बीच का जो 20 रुपए का रिक्वायरमेंट, दैट इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्रेडिट राशनिंग, RBI डिसाइड करते हैं कि हमको कौन से सेक्टर को कितना एक लोन देना है। वही मोरल सुजैन, वो अगर कमर्शियल बैंक बात ना माने तो मार खाएंगे, ठीक है। तो पहले तो प्यार से समझाएगा, फिर उनको लाइसेंस कट करना, और ये सब इंक्लूड होता है हमारा। बेसिकली मोरल सुजैन का हम इसमें इतना यूज भी नहीं करते। तो हमारी अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, मतलब कि डिमांड ज्यादा है, हमको कम करनी है, तो ये जितनी भी रेट्स मैंने बताई, इन सबको हमारी सरकार क्या कर देती है, बढ़ा देती है, ठीक है। सरकार बढ़ा देती है और मार्जिन रिक्वायरमेंट को, और एक और हमारा होता है इसी में ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में RBI जो है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बेचता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे पब्लिक को, सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ द सिक्योरिटीज, ठीक है। तो वो होता है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस में। तो अगर एक्सेस डिमांड है तो ये सारी की सारी रेट्स गवर्नमेंट क्या करने वाली है, बढ़ा देगी। सेम वे मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगी, ठीक है। तो ये एक्सेस डिमांड में, अब वो क्यों बढ़ाती है, उसके लिए आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये रेट्स वगैरह ये सब उसी में मैंने क्लियरली समझा रखा है। तो आप लिंक जो नीचे आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप जाके वो वाली वीडियो जरूर देखना, अच्छे से पूरे डिटेल में क्लियर होगा। वैसे तो बोलते हैं कि वो सिलेबस से हटाया इस साल के लिए कोरोना की वजह से, बट आई सजेस्ट कि आप वो जरूर देखें, क्योंकि वो बहुत यूजफुल है, ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज, फीडबैक्स वैल्यूएबल जरूर दें। थैंक यू सो मच, बाय।